कंगना रनौत की नई फिल्म आ रही है, नाम है मणिकर्णिका रिटर्न्स, द लेजेंड ऑफ दिद्दा। ये कंगना की 2019 में आई फिल्म मणिकर्णिका का सीक्वल है। पहले पार्ट में कंगना रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में दिखी थी। कंगना ने खुद फिल्म की जानकारी अपने ट्विटर पर दी। प्रोड्यूसर कमल जैन के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हमारा भारतवर्ष साक्षी रहा है झांसी की रानी जैसी कई वीरांगनाओं की कहानी का। ऐसी ही एक और अनकही वीर गाथा है कश्मीर की एक रानी की, जिसने महमूद गजनवी को एक नहीं दो बार हराया। लेकर आ रहे हैं कमल जैन और मैं मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिद्दा। फिल्म की मुख्य किरदार रानी दिद्दा हैं, जो कश्मीर की पहली महिला शासक थीं। उन्होंने 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक करीब 5 दशकों तक कश्मीर पर राज किया। अपना एक पैर पोलियोग्रस्त होने के बावजूद वो एक भीषण योद्धा थीं। कंगना और कमल जैन ने मणिकर्णिका के पहले पार्ट पर भी साथ काम किया था। सीक्वल के लिए बताया जा रहा है कि फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाया जाएगा, एकदम इंटरनेशनल स्टाइल में। इसी कारण फिल्म का बजट भी ज्यादा है। मेकर्स का प्लान है कि भारत की वीरांगनाओं की कहानी को एक फ्रेंचाइज की शक्ल दी जाए, उन कहानियों को सामने लाया जाए जो कहीं ना कहीं इतिहास के बोझ तले दब गई हैं। फिल्म की शूटिंग अगले साल जनवरी से शुरू होगी। इस बीच कंगना अपनी बाकी फिल्मों की शूटिंग पूरी करेंगी। वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्म है थलाइवी, जहां कंगना तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा वो अपनी एक और फिल्म धाकड़ पर भी काम कर रही हैं। उनकी लास्ट फिल्म थी पिछले साल आई पंगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं, जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।